उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पथराव आगजनी, हेड कांस्टेबल की मौत, दो मेट्रो स्टेशन बंद। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को दूसरे दिन भी दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में उग्रवादियों ने कई जगहों पर पथराव किया और वाहनों को आंख के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान पथराव में जख्मी गोकुलपुरी थाने के हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई। वहीं शादरों के डीएसपी अमित शर्मा अस्पताल में भर्ती है। भीड़ ने उनकी गाड़ी भी फूंक दी। पुलिस ने मोचपुर, कदमपुरी, चांदबाग, यमुना विहार, भजनपुरा और दयालपुर समेत 10 इलाकों में धारा 144 लागू की है। पुलिस के मुताबिक जाफराबाद, मोचपुर समेत आसपास के इलाकों में सीए समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पथराव हुआ। इस दौरान उग्रवादियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। मोचपुर के एक गोदाम को आग के हवाले कर दिया। वहीं भजनपुरा में एक पेट्रोल पंप को आग लगाने की खबर है। इसके अलावा कई इलाकों में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। डीएसपी वेद प्रकाश सूर्य ने कहा कि हमने दोनों पक्षों से बात की है, अब स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से शांति की अपील करते हैं, अपने घरों में रहकर वह अफवाह पर ध्यान न दें।